हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी खामरा। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है, पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आपको एक सरप्राइज लास्ट में वो थे ये पिजन्स, एक ये वाला और एक ये वाला। सो आज हम इन्हीं के लिए इन्हीं की एक वीडियो बनाने जा रहे हैं आपके। आपको सब बता देंगे कि क्या करते हैं, क्या खाते हैं, मतलब सब कुछ इनके बारे में, कब कब नहलाना होता है, कब क्या करना होता है, और ये क्या वगैरह वगैरह नहीं खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, सो वो हम आपको बताएंगे। सो चलो गाइस, आपने पिजन्स तो मेरे देख ही लिए हैं, एक ऊपर बैठा है और एक बाहर निकलने के लिए ऐसे कर रहा है, लेकिन इन्हें अभी नहीं निकालेंगे गाइस। हम इनको हम आपको इनकी सारी वीडियोस देंगे जब इन्हें नहलाएंगे या कुछ भी, आपको वीडियोस बनाते रहेंगे इनके बीच बीच में। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये खाते क्या क्या हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो इधर मैंने खाने में इनके लिए डाला है दलिया, देख सकते हो दलिया है यहाँ पे, और ये खाते भी हैं, नीचे गिर रखा है जैसे कि, तो ये खाते हैं इसलिए गिर है नीचे। एंड इस साइड डाले हमने ये चावल, और उसके नीचे थोड़े से बाजरे हैं, उसके नीचे बाजरा है थोड़ा सा। तो ऐसे ही ना, बाजरा इतना नहीं, गर्मियों में नहीं देना नहीं चाहिए क्योंकि ये अंधे हो जाते हैं, लेकिन अभी है तो गर्मियों, बट मतलब इन्हें थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो देख सकते हो मैंने ज़्यादा नहीं दिया इन्हें, वैसे भी ये ज़्यादा दलिया ही खाते हैं, और चावल है इसके ऊपर, बस चावल खा लेते हैं इधर से, तो उसको भी बाहर निकलना है। और पानी तो ये कोई भी सारे पी लेते हैं, एंड इनके फर के नीचे कलरफुल है, तो ये जो आप पीछे देख सकते हो यहीं पे रखते हैं हम। तो पीछे आप देख सकते हो गार्डन है बहुत अच्छा सा, तो यहाँ से आप देख सकते हो अभी चिड़िया वगैरह की आपको आवाज़ आ रही होगी, और पिजन्स भी हैं यहाँ पे, तो आप सुनो ध्यान से, सुन सकते हो कितनी ज़ोर ज़ोर से इनकी आवाज़ आ रही है। सो उनकी आवाज़ सुन के एक्टिव हो जाते हैं थोड़ा सा, तो हम आपको एक वीडियो इनको बाहर निकाल के भी बनाएंगे। इनको अभी तक तो मैंने दो बार ही बाहर निकाला है, और इनको नहलाना बहुत कम होता है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। इनको अभी तक हमने दो बार ही नहलाया है, एंड जब नहलाते हो तो उसके बाद ड्रायर कर देना चाहिए थोड़ा सा, या कपड़े से लपेट के पकड़ना चाहिए ताकि सूख जाए जल्दी से। तो इनको नहलाना भी है दो बारी, एक बारी तो अच्छे से साबुन लगा कर, सॉरी शैम्पू लगा कर, और एक बारी खाली पानी डालकर। तो आप देख सकते हो कितने फर झड़ते हैं इनके, ये देख सकते हो आप इनका फर, और आप और भी देख सकते हो कितने सारे हैं यहाँ पे गिरे हुए। सो गाइस, आपको हम इनके बारे में, मतलब जब इनको नहलाएंगे या बाहर निकाल लेंगे, तो इनके बारे में बीच बीच में वीडियो डालते रहेंगे आपको। सो आज की वीडियो यही थी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा देना। सो बाय।